तो आ गए फिर से। तो जब हमारे 9th क्लास की फाइनल एग्जाम का लास्ट डे था, हम सब लोग अलग ही खुशियां मना रहे थे। अरे गुड बाय यार, गुड बाय, अब तो छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे, बाय बाय छुट्टियां छुट्टियां। पर अफसोस। हाँ तो बच्चों, बाय सर, बाय बाय सर, अब तो छुट्टियों के बाद मिलेंगे, गुड बाय सर, गुड बाय। अरे पहले मेरी बात सुनो। क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। हाँ है ही सही, वो तो। हाँ तो बच्चों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाँ तो तुम सब अब 10वीं क्लास में जाने वाले हो, और 10वीं मतलब बोर्ड, मतलब कि आपको बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम देनी पड़ेगी, और हर कोई ऐसे बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम नहीं दे सकता है। लग गई। तो यहाँ हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे बोर्ड पे चढ़ने की। गुड न्यूज ये है कि हाँ गुड न्यूज ये है कि हाँ आपके कल से स्कूल चालू हो रहे, और सभी बच्चों को आना कंबलसरी है, कंबलसरी है, कंबलसरी है। क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे मार दो, मार दो, भागो यहाँ से, जान बचाओ सब। क्या? So, summer is one of my favorite season. ज्यादा इंग्लिश मत थाको। गर्मी का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है, क्योंकि इसमें मिलती है ढेरों छुट्टियाँ। अरे मेरे को तो गर्मी का मौसम बिल्कुल पसंद ही नहीं है, अपने ठंडी का मौसम बढ़िया है। ठंडी लगे तो अपन कंबल ओढ़ लो, अब गर्मी में अपन नंगे होके तो बैठ नहीं सकते। सही बात है, सही बात। मतलब तुम ठंडी में कंबल ओढ़ ओढ़ के घूम सकते हो, लेकिन गर्मी में तुम्हारे पास पंखा नहीं है क्या? गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लो, सिंपल। वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई। हमारे यहाँ पे गर्मी में लाइटें चल जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो कभी गर्मी में लाइटें, हाँ बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत। हाँ लेकिन गर्मी में तुम्हारे पास पंखा नहीं है क्या? गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लो, सिंपल। सो बैक टू द चाइल्डहुड, गर्मी की छुट्टियां लगते से ही तुम लोग जाते हो नानी के यहाँ। मम्मा ये अंकल अभी नाक में उंगली डाल रहे थे, आपने कुछ निकाला भी था ना नाक में से? हैं? हैं? बैड मैनर्स। मम्मा मेरे को खिड़की के पास बैठना है। नहीं अभी अंकल बैठे हुए ना, चुपचाप अभी यहाँ पे बैठ। मैं को उल्टी आ रही, मैं आपके मुंह पे कर दूंगा उल्टी। अंकल जल्दी हटो, अंकल हटो जल्दी। हाँ वाली ना ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही है, ये कट जाना चाहिए। मम्मा ये अंकल कब से फुड़ोल फुड़ोल पाले जा रहे हैं बहुत जोर जोर से। काफी नटखट है आपका बच्चा। मम्मा मेरे को ऊपर सोना है। अरे चुपचाप बैठ जाना, तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? उचक उचक करते बंद नहीं हो रहा यहाँ, अभी खिड़की से बाहर फेंक दूंगी उठा के। मम्मा अरे कोई बात नहीं यार, जान दो बच्चे ही तो है। जा हूँ अंकल। ओ अंकल, अरे ये अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब ये अंकल मर गए, ये अंकल मर गए, ओ ये अंकल मर गए। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। अरे मैं जिंदा हूँ ये देखो, थक 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 थक। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हो आया। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि अगली बार से कभी मत आना ट्रेन में। बाय बाय बेटा, बाय बाय। ओ ये इंदौर आ गया। अरे रुको रुको रुको, वो देखो, ओ वाओ एरोप्लेन। ऑफ टॉपिक जाने के निंजा टेक्निक जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हार्ट टून्स नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे। नाम तो सुनाई, बस अब मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा हूँ। और हाँ, गर्मी की छुट्टियों में कई लोग अलग अलग क्लासेस जाते हैं, जैसे कि ड्राइंग क्लासेस। अब बन गया ना मैं आर्टिस्ट, इसको लाखों में बेचूंगा लाखों। सिंगिंग क्लासेस, मेजबानों की बात ही खाली, आज मुझको बता दो क्यों बाल्टी है खाली।
लग गई मम्मा। लेकिन मैं गया था डांस क्लासेस। चलो नाच गाना करेंगे। धोबी आया धोबी आया कपड़े चार। वैसे मेरा डांस वगैरह सीखने का कोई मन नहीं था, पर मुझे मम्मा ने जबरदस्ती भेजा था। उनको लगता था कि मैं भी इंडियन आइडल में जाके नाच गाना करूंगा। लेकिन इंटरेस्ट ना होने के बावजूद मैंने दिन रात नाच गाना करा, दिन रात मेहनत करी, और एक महीने डांस क्लासेस जाने के बाद मुझे डांस क्लासेस वालों ने ही निकाल दिया। और मेरा ऐसा डांस देखकर मेरे बहुत सारे फैंस भी बनने लगे थे। हाँ यही है, मारो साले को, इसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मम्मा ये डांस हो गया तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा और फिर बन जाऊंगा स्विमर। स्विमर बनूंगा मैं, स्विमर। मर मत जाना बस तू। देख बच्चों के लिए ये। अरे तू जा रहे, मेरे को मत सिखा, मैं प्रो हूँ। क्या हूँ? है? अरे बचाओ, मेरा दोस्त डूब के मर गया। देख अब अपने को ये छोटे वाले में ही जाना है। हाँ तो ये बात तो मैंने तेरे को पहले ही बोली थी, पर तू मानता ही नहीं है। देख अब मैं तेरे पार हूँ ना, मैं फास्ट नहीं ले पा रहा। यहाँ पे मैं तैर नहीं पा रहा हूँ और मेरा दोस्त वहाँ पे आराम से तैर रहा है। यूं नहीं कि मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दे। मैं नहीं तैर पा रहा ना, अब मैं किसी को भी नहीं तैरने दूंगा। अब देखो। अरे भागो भागो, सब अपने अपनी जान बचाओ। तो जब मैं छोटा था तब मैं थोड़ा मोटा था। वाओ राइमिंग। तो जब मैं छोटा था थोड़ा मोटा था, इसलिए मेरे से भगाता नहीं था, ठीक है। ए आजा आदमी, ए मेरे को पकड़ के बता दे। मोटू राम, ए मोटू राम, मोटू राम, मोटू राम, दिन भर खाता जाए आम और फिर बाहर आगे पा दे फुड़ फुड़। आजा पकड़। अरे रुकना, मैं तो नहीं रुकूंगा। देख रोक जाना देखो। वैसे गर्मी की छुट्टियों में हम बोर भी बहुत हुआ करते थे। क्या करे। अरे वाह क्या आइडिया है, चलो चलो आजा आजा आजा। बहुत होमवर्क दिया ना अपने कोई इन्होंने, आज सारा बदला लेना है। बोलो सारे काज फूटना चाहिए, एक दिन ही बचना चाहिए। बोलो बोलो। काज तो सारे खत्म हो गए यार, अब क्या करूं। अरे हाँ तो दोस्तों, अब हम सब बनेंगे यूट्यूबर्स। तुम लोगों को पता है, अपन यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के इतने अमीर हो जाएंगे ना, ऐसे ट्रक भर भर के पैसे पहुंचाएगा यूट्यूब। हाँ आंदो आंदो आंदो, हाँ या डाल दो सब। पर हम वीडियो काहे की बनाए। अरे वाह गोबर, अरे रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड करो जल्दी। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हार्दी और आप इस वीडियो को देख के कहोगे क्या बात है। तो अभी अभी हमारे सामने अब एक गाय गोबर करके गई है, और ये देखिए आप, बहुत ही ताजा गोबर है। बहुत ही ताजा गोबर खाने से आपके शरीर को बहुत फायदे होते हैं। देखो गाय जम को ये खा के बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहे हैं। जब देखिए कितने बदलाव है, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा क्या बात है, और लाइक से सब्सक्राइब टू आवर चैनल चमत्कारी गोबर। और तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारे वेकेशन खत्म हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं सिवाय। अम्मा यार मेरे को थोड़े दिन और रुकना था। नहीं अब स्कूल चालू हो गए ना मम्मा पर। अरे अंकल, अरे अंकल। अरे ये तो वही बच्चा है, फिर से नहीं।